हम बात कर रहे हैं लेमन ट्री की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 2% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। स्टॉक ने जो रिजेक्शन फेस किया 147.50 के लेवल से गिरावट आई। सपोर्ट कहाँ लिया स्टॉक ने? 137.50 के लेवल पर सपोर्ट लिया। एक जंप आया, इस जंप के साथ अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगेन गिरावट आई तो स्टॉक ने उसी लेवल पर सपोर्ट लिया इससे पहले जहां लिया था। अगेन जंप आया, 140 के लेवल से रिजेक्शन लिया है और 140 के लेवल से रिजेक्शन के बाद जैसे ही आपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया 137.50 के लेवल को, देख सकते हैं लगातार बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी। बड़ा सेलिंग हमको लेमन ट्री में देखने के लिए मिला था। इस गिरावट के बाद स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 120-250 के लेवल पर और सपोर्ट के बाद हम देख सकते हैं चार्ट पैटर्न अब यहाँ से हमको हायर हाई देखने के लिए मिला है। जंपर स्टॉक अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। गिरावट आ रही है तो लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, अपने हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ से आप लेमन ट्री हमको रिकवरी दिखा सकता है। हम देख सकते हैं 130 का जो लेवल है इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। जहाँ पहले रिजेक्शन फेस किया करता था, ब्रेकआउट किया, गिरावट आई तो उसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है 130 के लेवल पर। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 127.50-127 का लेवल और सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा जहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक किया। मोटा मोटा 120 मान के चल सकते, 120 का लेवल आखिरी सपोर्ट रहेगा। 120 के लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फिर बड़ी गिरावट। यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक होता है इसी लेवल से तो इमीडिएट टारगेट देखने के लिए मिल सकता है जहाँ से रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है 135 का लेवल। इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर अगला टारगेट हमको देखने के लिए मिलेगा 137.50 का लेवल। ये इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि हमने देखा कि इस पर स्टॉक ने पहले सपोर्ट ले रहा था इसी लेवल पर 137.50 के लेवल पर और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है उसके बाद बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिला है। 137.50 का लेवल तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसको ब्रेकआउट करके अगर स्टॉक 2-3 दिन सस्टेन हो जाता है तो क्लियर कट फिर लेमन ट्री में अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर स्टॉक बाउंस बैक के साथ अपने इस हाई को ब्रेकआउट दे सकता है और जिस तरह से आप चार्ट पैटर्न दिखा रहा है यहाँ हमको 137.50 का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। इसको ब्रेकआउट कर सकता है स्टॉक और इसको ब्रेकआउट करके अगेन हमको 147 और 150 तक के भी टारगेट लेमन ट्री शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। वीडियो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। जो एजुकेशन पर्पज के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।